हाँ दोस्तों, देखिए इसके मोबाइल पे हम लोग आए थे आज बाबा जी के पास। तो इसके मोबाइल पे अभी वोडाफोन का सिम है, तो वोडाफोन के सिम से अभी सिम पर आया था फ़ोन कौन बनेगा करोड़पति से। तो अभी हम उससे जो है कि बोला है कि कितने का लॉटरी निकला है, बोला है कि लॉटरी निकला है आपके सिम पर, तो आपको पैसा मिलेगा, एक नंबर मिला है फ़ोन करने के लिए बोला है। देखिए दोस्तों, इसका फ़ोन आ गया है। हेलो, हाँ सर, आप लॉटरी के लिए कह रहे थे जो है कि फ़ोन नहीं लग रहा है इस पे। आप व्हाट्सएप निकाल के व्हाट्सएप कॉल लगाएं, ठीक है? व्हाट्सएप कॉल लगाएं व्हाट्सएप कॉल? ठीक है जी, सर। व्हाट्सएप कॉल लगाएं। कितने का लॉटरी लगा है सर जी? देखिए काट दिया, और अभी हम उसको व्हाट्सएप कॉल लगा रहे हैं, ठीक कर रहा है देखिए, और वीडियो कॉलिंग चालू है ना। हाँ सर, जी बोलिए। कह रहे हैं वो कि आपने व्हाट्सएप निकाल कर व्हाट्सएप कॉल लगाएं, और लॉटरी नंबर आपसे पूछेंगे, लॉटरी नंबर आपने बताना है 00055। 0055। जी, 00055। अभी व्हाट्सएप कॉल व्हाट्सएप नंबर निकालें, व्हाट्सएप कॉल लगाएं, ठीक है? ठीक है सर, देखिए देखते हैं कैसे लगा पाते हैं कि नहीं। अभी व्हाट्सएप निकालें उस नंबर का, व्हाट्सएप पे कॉल कराएं, ठीक है सर जी, देखते हैं। ठीक है? ओके। देखिए ये व्हाट्सएप कॉल करने के लिए बोल रहा है, तो हम उसका व्हाट्सएप है, उसका नंबर सेव किए हैं AM के नाम से, तो व्हाट्सएप में जाते हैं और AM सर्च करते हैं। देखिए यहाँ पर लगाया है ये देखिए, ये देखिए लगाया है, कैमरा इधर करो, KBC राणा प्रताप सिंह, और ये देखिए लगाया है, ये पता नहीं कौन से देश का है, लेकिन ये देखिए ये जो भाषा में लिखा है ये उर्दू भाषा में लिखा है, तो ये पक्का ही मुसलमान होगा। देखिए उर्दू भाषा में लिखा है, तो लिखा है KBC राणा प्रताप सिंह, व्हाट्सएप पे लगाया फ़ोटो। चलिए इसको हम कॉल करते हैं। वीडियो कॉलिंग कर रहे हैं, उधर से काट दिया गया है, तो देखिए अब हम वीडियो कॉल नहीं उठा रहा है, अब देखिए हम वॉइस कॉल लगा रहे हैं। कमरे में आ रहा है पूरा? हाँ सर जी, जी नमस्ते, बोलूं? सर फोन आया था हमारे मोबाइल पर कि लो, जी लॉटरी का मैसेज आपको मिला है, जो आपके नंबर पे लॉटरी सिलेक्ट हुआ है, वो लॉटरी का नंबर व्हाट्सएप करो जो आपको मिला है। अभी मैं इनामी लिस्ट में डाल के चेक करता हूँ, फिर आपको जानकारी देता हूँ। लॉटरी का नंबर सेंड करूँ? सर लॉटरी का नंबर हमको नहीं पता हुआ सर जी। जी भाई, 4 अंकों वाला आपको लॉटरी नंबर नहीं मिला है? कोई फोन आया था तो 4 अंकों वाला? सर, हाँ सर जी फोन आया था हाँ, तो उसमें बताए आपको, थे कि हाँ कितना है उसमें 4 अंकों 0। वाला लॉटरी नंबर जो बोला है ना, वो व्हाट्सएप पे डाल दो, 4 अंकों वाला लॉटरी नंबर। जी सर जी, पता नहीं सर जी क्या बोल रहे थे, 0 0। देखिए वो काट दिया है अभी, अभी फिर हम उसको भेजते हैं। तो ये पासवर्ड खोलो यार, इसको पासवर्ड खोलो इसका। देखिए इसको अभी व्हाट्सएप पे जो है कि अपना लॉटरी टिकट नंबर भेजते हैं, तो देखिए क्या कहता है। 00 जो होता है, तो वो 0055 बताया था, तो हम 0099 डालेंगे। देखिए क्या करता है, 0099। देखिए 0099 कर दिए हैं, अब सेंड कर दे रहे हैं उसके यहाँ, तो देखिए क्या करता है, सेंड कर दिए हैं। अभी वीडियो कट कर दे रहे हैं। ने मैसेज किया है व्हाट्सएप पे, तो वॉइस मैसेज है, तो देखिए हम सुना रहे हैं आपको क्या कर रहा है। जी सर, सर आपने जो मुझे मैसेज सेंड किया है ना सर,
वो मैसेज आपका मैंने इनामी लिस्ट में कंप्यूटर में चेक किया है और आपका चेक पहुंचा है ऑलरेडी कंप्लीट होकर 25 लाख रुपए का। वेरी वेरी हैप्पी कंग्रेचुलेशन हमारे पूरे डिपार्टमेंट की तरफ से आप और आपकी फैमिली को बहुत बहुत शुभकामना बधाई हो सर। सर ये लॉटरी ना आप खेले हैं ना आप खरीदे हैं ना आपके नाम पे चेक खोला, ये ओपन मेरिट पे कंपटीशन किया था, 5 कंट्री इंटरनेशनल लकी ड्रॉ करवाया था। जो लोग व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं, जो लोग मैसेंजर यूज कर रहे हैं, जो लोग फेसबुक चला रहे हैं, जो लोग ईमो यूज कर रहे हैं, इन कंपनियों के इन ऐप के जो मालिक होते हैं, जो इन कंपनियों के ऐप के ऑनर होते हैं, ये केबीसी डिपार्टमेंट कौन बने महाकरोड़पति में ओपन मेरिट पे कॉम्पिटिशन करवाया जाता है। ठीक है, ये केबीसी डिपार्टमेंट कौन बने महाकरोड़पति में 10,000 से लेकर 25,000 सिम तक पब्लिक कुरंदाजी की थी, तो पब्लिक कुरंदाजी में आपका व्हाट्सएप नंबर शुमार था, आपका नंबर शाले बागुआ कंप्यूटर ने आपके नंबर को उठाया है, 2.5 मिलियन 25 लाख रुपए का बिग प्राइज लॉटरी आपके नंबर पे सिलेक्ट विन हो चुका है, जो आपको लॉटरी का पैसा प्रम्प्ट रिसीव कैश आउट होगा। सर लॉटरी का पैसा लेने के लिए कैश करवाने के लिए आपको कंपनी की तरफ से हुकूमत की तरफ से ऑप्शन ये मिला है कि आपका किसी भी बैंक में बैंक अकाउंट नंबर चालू है तो आप मुझे वेरीफाई कर सकते हैं कि सर मेरा इस बैंक में खाता चालू है और ये पैसा आपके बैंक अकाउंट में सर ट्रांसफर किया जाएगा। तो सर आप ऐसा कीजिए, अपना नाम, अपने बैंक का नाम, अपना बैंक अकाउंट नंबर, अपना पासपोर्ट साइज फोटो और अपना आधार कार्ड ये फौरन से मुझे व्हाट्सएप पे सेंड कीजिए ताकि आपके डॉक्यूमेंट्स बनाए जाएं और आपके नाम की डिटेल्स एक्टिवेशन तैयार की जाए और आपका पैसा आपके अकाउंट में ट्रांजेक्शन किया जाए। तो फिर आपने अपने बैंक जाना है, अपने बैंक जाकर आपने अपना पैसा चेक करना है और आपने चेक करने के बाद 2-4 लाख रुपए निकलवा कर हमें कमबैक कॉल लगाकर थैंक यू बोल देना कि आकाश वर्मा थैंक यू, पैसा आ चुका है और हमने पैसा रिसीव कर लिया। गरीब आदमी हो, माता पिता की दुआओं के कारण आप जीते हैं, 5 कंट्री इंटरनेशनल लकी ड्रॉ ओपन मेरिट कॉम्पिटिशन के कारण बिग प्राइज के आप मालिक बन चुके हो। देखिए ये है फंडा इसका, यानी कि इसको हम अपने व्हाट्सएप के जरिए इसको इसके व्हाट्सएप पर अपना फोटो और बैंक डिटेल्स, पासबुक का और आधार कार्ड ये भेजना पड़ेगा। और ये जहाँ तक मुझे पता है ये मुसलमान ही है, क्योंकि मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मुसलमान ही ठगी करते हैं, हिंदू भी ठगी करते हैं, पर ये मुसलमान है जो कर रहा है, क्योंकि ये अक्सर ज़्यादातर जो है कि दुआओं की बात कर रहा है। हाँ, लैंग्वेज अपना जो है कि उर्दू भाषा में जो है कि ज़्यादातर उर्दू भाषा के शब्द बोल रहा है। तो चलिए हम इसको जो है कि अभी हम इसको मैसेज करते हैं कि सर हमारा पैसा जो है कि भेज दीजिए हमारे अकाउंट में। ये समझ जाएगा, इंग्लिश में लिखेंगे तो समझ जाएगा। तो ऐसा करते हैं इसको फोन ही कर देते हैं साले को। हेलो हेलो, हाँ सर जी, हाँ जी बोलो सर। कह रहे थे कि हमारा पैसा कब मिलेगा? जी भाई, तो आप डॉक्यूमेंट देंगे तो पैसा आपका ऑनलाइन किया जाएगा ना, आपके बैंक अकाउंट में आपको मिलेगा। जो डॉक्यूमेंट बोला जा रहा वो क्यों नहीं सेंड कर रहे हैं आप लोग? क्या भेजना पड़ेगा सर जी? जी भाई, अपना नाम, अकाउंट नंबर, अपना एक फोटो और अपना आधार कार्ड का फोटो निकाल के सेंड कर दें आप, ठीक है? ताकि अभी मैं आपका फाइल आपके नाम पे करवाता हूँ, 4 ब्रांचों से कम्प्लीट होगा, नारवी, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई से। ये डॉक्यूमेंट अभी के अभी सेंड कीजिए। तो सर तो मैं भी जंगल में आया था लकड़ी काटने, तो जी भाई तो डॉक्यूमेंट तो देना पड़ेगा ना। अपना व्हाट्सएप पे मंगवा लीजिए, अपना घर से व्हाट्सएप पे मैसेज डलवा लें। सर फोन पे नहीं हो पाएगा? फोन पे चलाते हैं, फोन पे नंबर बता दे जी रहे भाई, हैं फोन पे गूगल पे नहीं होगा, ठीक है? इतना बड़ा रकम है ये, कोई 25,000 नहीं है कि जो फोन पे गूगल पे डाल देंगे, ठीक है? अपना बैंक अकाउंट सेंड करें। सर बैंक अकाउंट सर कैसे पता चलेगा सर जी? एक तो नंबर है सर जी, वही में डाल देंगे का? कैसे पता चलेगा? मैसेज आएगा आपके पास, जैसे फोन पे से सर जी अब डाल दें तो दूसरे कोई से चेक करवा ले सर जी? भाई आपको जब बोला ना कि बैंक अकाउंट में होगा, बैंक अकाउंट आपको देना पड़ेगा, आप अपना जीरो बैलेंस वाला अकाउंट सेंड कर दें, ठीक है? कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अच्छा सर जी, तो वो बघौरा बैंक का है सर जी, वो
उसे क्या कहते हैं, तो उसी बैंक में खाता है सर जी, तो उसमें आ जाएगा जी भाई? कोई भी बैंक में ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है सर जी। अच्छा तो हम जा रहे हैं घर, जो लकड़ी नहीं काटेंगे, कुछ दूरी पे आ गए हैं। घर को पहुंच के डॉक्यूमेंट सेंड कर दें। ठीक है, कितना टाइम लग जाएगा? ऊपर से टाइम नहीं है, बैंक बंद होने वाले, अभी तुरंत ले निकल जाएं। ठीक है, पहुंच के मेरे को डॉक्यूमेंट सेंड करो। ठीक बस सर जी, भेज दे भाई। ओके ओके। देखिए ये आधार कार्ड फोटो कापी, तो ये सब डिटेल मांग रहा था, तो हमने इसे कहा कि मेरा बड़ौदा बघोड़ा बैंक में जो है कि खाता है। तो देखिए इस प्रकार से ठगी करते हैं, तो आप भी सावधान रहिए। हमारे साथ भी ठगी हुआ था, जो कि ऐप जो है कि डाउनलोड करके मोबाइल मेरा हैक कर लिया था। तो आप भी जो है कि ठगी से बच सकते हैं, आपको सतर्क रहना है, किसी को अपना डिटेल नहीं देना है। तो चलिए आज के लिए इतना ही।